तो जब वो जाने लगी तो उसी शहद का मजा उसी के मुंह में वजीद पानी लाने का सबब बना, उसी का मुबारक आया। क्या जबरदस्त और मजेदार शहद, कितना मीठा, आज तक ऐसा शहद नहीं खाया। वो लोटी और शहद में से थोड़ा सा और चख लिया, उसी ने दोबारा जाने का आज़म किया, मगर उसी ने महसूस किया कि ये थोड़ा सा शहद खाने काफी नहीं है, इसे और खाना चाहिए। वो रुकी और उसी मर्तबा खाने के बजाय शहद पर गिर पड़े, ताकि वो कम से कम पाकत में ज्यादा से ज्यादा लज्जत हासिल कर सके। वो चूंटी शहद में बहुत ताजा हो गई और लुत्फ़अंदोज़ी होने लगी, मगर अफसोस कि वो शहद चल पाए ना निकल सकी। शहद की चिकनाई की वजह से उसी के पैर जमीन से चिपक गए थे और उसी में उन्हें हिलाने की ताकत ना रही, वो पैर में रह गए, यहाँ तक कि वो उसी में भी मर गए। उसी की लज्जत अंदोजी ने शहद को ही उसी के कब्र में तब्दील कर दिया। एक दाना गोल है दुनिया शहद के बहुत बड़े कतरे के अलावा कुछ और नहीं है, बस जो भी इस कतरे में से थोड़ा और बकतरे के बाद खाने पर इक्तफा करेगा वो निजात पा जाएगा, और जो भी इसी शीरी जीरी होता जन होगा हलाक उसी का मुकद्दर बन जाएगा, हलाकत उसका मुकद्दर बन जाएगा।